नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर आज सुबह दक्षिण कोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। यहां भारत दक्षिण कोरिया के उद्योगपतियों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज एक उम्मीदों का देश बनकर उभरा है। यहां पर हर किसी के लिए अवसर हैं। साउथ कोरिया हमारा एक अहम साथी रहा है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब 14 फरवरी को दोपहर में पुलवामा में आतंकी हमले से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई तो पूरा देश शोक मना रहा था। उस समय पीएम मोदी शाम तक कॉर्बेट पार्क में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, जबकि देश हमारे शहीदों के टुकड़े चुन रहा था और पीएम मोदी अपने नाम के नारे लगवा रहे थे। क्या दुनिया में ऐसा कोई पीएम है? राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने अपनी संपत्ति आरएसएस से जुड़े संगठन सेवा भारती को दान की है। संपत्ति में तरवा गांव का उनका पारिवारिक बंगला और 10 बीघा खेत शामिल है। इस बारे में अमर सिंह ने कहा, मैं सेवा भारती को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे समर्पण की भावना को स्वीकार किया है। कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री पर बयान देते हुए अमर सिंह ने कहा, प्रियंका का राजनीति में स्वागत है पर दिल्ली अभी दूर है। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2019 शो में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुखोई विमान की सवारी की। इसके साथ ही आर्मी चीफ बिपिन रावत ने तेजस की सवारी की। इस दौरान रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ दोनों को पायलट रहे। पुलवामा हमले पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मोदी सरकार को अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं। रिजवी ने कहा कि अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए सरकार को 3 युद्ध करने होंगे। पहला युद्ध सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की फौज से करना होगा। दूसरा, भारत में रहने वाले पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों को खोजकर सजा देनी होगी। सरकार को तीसरा युद्ध चीन से करना होगा। चीन से आ रहे सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा ताकि इससे उसे आर्थिक हानि हो सके। पंजाब विधानसभा में अकाली दल के हंगामे का सिलसिला लगातार जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान अकाली दल के विधायक काले रंग के कपड़े पहनकर विधानसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों ने कपड़ों पर पंजाबी में लिखे पोस्टर लगा रखे थे, जिन पर बिजली के बिलों को लेकर शेड्यूल कास्ट समुदाय के साथ की जा रही नाइंसाफी की बातें लिखी हुई थी। आपको बता दें, अभी तक पंजाब सरकार शेड्यूल कास्ट को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देती है, लेकिन अब इन लोगों के बिल भी आने शुरू हो गए हैं। बिहार में संविदा पर 214 जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें जूनियर इंजीनियर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कुल 17,000 आवेदन आए, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी की गई। हैरानी की बात रही, इन आवेदकों में सनी लियोनी ने 98.5 का स्कोर लाकर लिस्ट में टॉप किया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सनी लियोनी कौन है? आपको बता दें, विभाग को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मेरिट लिस्ट नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार की थी। सरकार से अपनी मांगों पर बातचीत फेल होने के बाद आज हजारों किसान नासिक से मुंबई तक दोबारा मार्च के लिए निकल गए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने राज्य और केंद्र स्तर पर उनके साथ धोखा किया है। आपको बता दें, किसान 2018 तक की संपूर्ण कर्ज माफी और साथ ही महाराष्ट्र से गुजरात को दिए जाने वाले पानी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बुरे दौर में पहुंच गए हैं। जून में इंग्लैंड में विश्व कप होना है, लेकिन अभी से मांग हो रही है कि भारत पाकिस्तान से ना खेले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंदूक के साथ मैच और गीत संगीत नहीं हो सकता। वहीं आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर सरकार रोक लगाएगी तो भारत विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा अक्षय के ऑपोजिट हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। एक्शन से भरा ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म 21 मार्च को रिलीज होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।